नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। आज हम ज्योतिष के एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज एक फिर से अनोखा विषय है, नौमांस कुंडली के माध्यम से जीवन साथी के रहस्य जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके पहले आपको लग्न और नौमांस मिला करके दोनों की टैली करके कुंडली का बलाबल निकालना आपको बताया गया है। नौमांस कुंडली से पत्नी के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं, पत्नी आपके लिए या पति आपके लिए कैसा रहने वाला है, जीवन साथी समझिए। अगर स्त्री है कोई तो अपने पति के लिए समझे, और कोई पुरुष है तो अपनी पत्नी के लिए, स्त्री के लिए समझे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले सूत्र की। यहाँ पर देखिए कौन सा, यहाँ पर मैंने ग्रह लिख दिया है, किन गिनतियों का स्वामी कौन सा ग्रह है, किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। आपको अपनी नौमांस कुंडली सम्मुख रखनी है और एक काम करना है, जो आपकी नौमांस कुंडली के 12 घर हैं उन 12 घरों के स्वामियों को नोट कर लेना है। जैसे ये लग्न होता है, जो सबसे ऊपर का घर होता है, ये लग्न है। अब यहाँ लग्न में 8 नंबर लिखा है, तो 8 का स्वामी कौन होता है, मंगल। तो मैंने लिख लिया लग्न का स्वामी मंगल है, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु है, तृतीय का शनि है। तृतीय का शनि कैसे है, तृतीय भाव यही है। यहाँ पे कौन सी गिनती लिखी है, 10। 10 का स्वामी कौन होता है, शनि। तो इन्हीं गिनतियों को देख के आप अपने नौमांस कुंडली के 12 भावों के स्वामियों को निकाल लीजिए। एकादश भाव का स्वामी बुध है, एकादश भाव ये है, यहीं से गिनते हैं हमेशा। तो एकादश भाव में 6 नंबर लिखा है, 6 का स्वामी बुध होता है। तो इतना आप कर लेंगे, फिर हमारा सूत्र आपको अच्छे से समझ में आएगा, अप्लाई आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि जो जीवन साथी है आपका या जिससे विवाह करने वाले हैं, उसकी कुंडली देख करके यह जानना कि जो व्यक्ति सामने वाला है, जो आपका पार्टनर है, जीवन साथी है, क्या वह आपके लिए अच्छा है कि नहीं अच्छा है, क्या उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उसके ग्रह स्थिति मजबूत है, सपोर्टिव है कि नहीं है, यह जानने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि नौमांस कुंडली में लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, इसे आप निकाल लीजिए। 8 नंबर है तो यहाँ लग्न का स्वामी कौन सा है, मंगल। इसी प्रकार से आप अपना निकाल लीजिएगा। पहली चीज, जो लग्न का स्वामी है, अगर वह अपनी ही राशि में बैठा हो या उच्च का हो, मित्र के घर में हो, तो अच्छा है। आपका जो लाइफ पार्टनर है वह अच्छे स्वभाव, आचरण और विचार वाला है। बिगड़ कब जाएगा, जब ये जो लग्न है नौमांस कुंडली का, जो लग्न है इसमें कोई ग्रह नीच राशि में हो। अगर कोई ग्रह यहाँ पर नीच राशि लिखा है, जैसे यहीं पर अगर नौमांस कुंडली में सूर्य लिखा हो, तो सूर्य के सामने नीच वाली राशि कौन सी है, 7। अगर बुध हो और बुध 12 नंबर पर हो तो नीच। इसी प्रकार से अगर शनि हो और 1 नंबर पर लिखा हो तो नीच। तो अगर लगन में कोई ग्रह नीच का है या लगन का स्वामी नीच का है, तो जीवन साथी बुरा मिल जाएगा आपको। यानी कि लग्न का और लग्नेश का होना अच्छा जीवन साथी दिलाएगा, लग्न का और लग्नेश का खराब होना आपको जीवन साथी पीड़ित करेगा। दूसरा देख लेते हैं, आपको यह देखना है शुक्र ग्रह के साथ D9 का लग्नेश हो। जैसे जो आपके लग्न कुंडली है, नौमांस कुंडली का लग्न है, अगर वह लग्नेश, जैसे यहाँ पे कौन सा है, मंगल है, वह शुक्र ग्रह के साथ प्लेस हो, तो बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन जाता है, हैप्पी मैरिड लाइफ उसी को बोलते हैं। अगर लग्नेश जो है वह शुक्र के साथ हो तो हैप्पी मैरिड लाइफ, अगर वह गुरु के साथ हो तो हैप्पी मैरिड लाइफ। यानी नौमांस कुंडली का लग्न जो है उसका स्वामी किसके साथ में हो, शुक्र के साथ में हो या गुरु के साथ में हो, तो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जाती है।
इसी प्रकार से अगर विवाह का समय जानना चाहते हैं तो सबसे पहले लग्न कुंडली में देख लीजिए, मांगलिक है नहीं है, जल्दी विवाह का योग है कि देरी का। लग्न कुंडली से जानने के बाद आप नवमांश कुंडली से उसे कंफर्म कर सकते हैं। जो नवमांश कुंडली का लग्नेश आपका निकल के आएगा, यहाँ पर मंगल है, अगर वह लग्नेश, जो भी लग्नेश आया ग्रह, अगर वह केंद्र में हो, नवमांश कुंडली के पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में, इन्हीं भावों में बैठा हुआ हो तो विवाह में बहुत देरी नहीं होती है, जल्दी विवाह का योग बन जाता है, विवाह जल्दी हो जाती है। दूसरा, अगर जो भी लग्नेश आया, नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर त्रिकोण में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, नवम भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली में ही, तो विवाह थोड़ी सी देरी से होती है, लेकिन अत्यधिक देरी नहीं होती है, बस जल्दी से ही थोड़ा देर होता है, लेकिन विवाह वो भी टाइमली ही माना जाएगा। इसी प्रकार से अगर नवमांश कुंडली का लग्नेश अशुभ भावों में बैठा हो, छठे में बैठा हो, आठवें में बैठा हो, बारहवें में बैठा हो, तो विवाह में देरी होगी। लग्न कुंडली से पहले देख लीजिए, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में अगर क्रूर ग्रह है और नवमांश कुंडली का भी लग्नेश 6, 8, 12 में हो तो विवाह में देरी का योग होगा। अब अगर 6, 8, 12 में होने के साथ साथ क्रूर ग्रह के साथ होगा तो विवाह ना होने की भी एक संभावना बन जाती है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली का D9 जो है, उसका नवमांश कुंडली का D9 का लग्नेश जितना बुरा होगा उतनी बुरी पत्नी मिलेगी, और जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी और प्रेम करने वाली पत्नी मिलेगी। तो इस चीज को अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना लव एंड रोमांस रहेगा आपकी लाइफ में, दाम्पत्य में, तो D9 के लग्न को और लग्नेश को देखिए, वह कितना शुभ प्रभावित है और कितना बुरा प्रभावित है। जितना मैलेफिक होगा उतना ही बुरा होगा, जितना बेनेफिक होगा उतना ही अच्छा होता चले जाएगा मैरिड लाइफ। अब एक चीज और बताते हैं, अगर आप लग्न कुंडली से देख लिए कि कोई व्यक्ति मांगलिक है, लग्न कुंडली से कोई व्यक्ति मांगलिक हो, लग्न कुंडली का सप्तम भाव का जो स्वामी है यानी सप्तमेश जो है वह उग्र या क्रूर नक्षत्र में बैठा हो, इस पे मैंने पहले एक लेक्चर दिया है उग्र और क्रूर नक्षत्र पर, अगर D9 में आप पहले D1 में यानी लग्न कुंडली में देख लीजिए, अगर कुंडली मांगलिक है, उसका सप्तमेश उग्र या क्रूर नक्षत्र में बैठा है, और नवमांश कुंडली का जो फोर्थ हाउस है, चौथा घर है, यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठा हो या क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ स्पॉइल्ड होती है, एकदम से खराब हो जाती है। तो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी कि बिगड़ जाएगी, इसको जानने के लिए किसी भी व्यक्ति के नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव को देखिए, वहां पे क्रूर ग्रह का होना, क्रूर ग्रह की दृष्टि होना बिगाड़ता है। मान लीजिए एक क्रूर ग्रह की दृष्टि है और एक शुभ ग्रह की दृष्टि है, मंगल गुरु दोनों देख रहे हैं, तो शुभ और अशुभ दोनों दृष्टियां हो करके प्लस और माइनस हो करके वह बराबर हो जाता है, लेकिन अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां अधिक होंगी तो खराब होगा, शुभ ग्रहों की दृष्टियां अधिक होंगी तो अच्छा ही प्रभाव बनेगा, इस चीज को जानना चाहिए। D9 में यानी नवमांश कुंडली में अगर लग्नेश पीड़ित हो, राहु के साथ में हो, केतु के साथ में हो, शनि के साथ में हो, और वह पीड़ित अवस्था में हो यानी उसमें बल ना हो, वह नीच राशि में हो, 6, 8, 12 में हो, तो जीवन साथी मन से प्रसन्न नहीं रहता है, वैवाहिक जीवन में इंटरेस्ट उसका नहीं बनता है, उसका मन किसी और के साथ भी लग सकता है, किसी अन्य स्त्री पुरुष की तरफ उसका शारीरिक या मानसिक झुकाव भी रह सकता है। इसके अलावा D9 में अगर सप्तम भाव में शुक्र उच्च का हो, सप्तम भाव में ही शुक्र उच्च का हो, या शुक्र सप्तम भाव का स्वामी हो करके कहीं भी उच्च का हो, जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर की गिनती लिखी है, 2 का स्वामी कौन है, शुक्र, 12 नंबर पे यहाँ उच्च का हो जाए,
यानी नवमांश कुंडली के सप्तम में शुक्र का उच्च का होना या नवमांश कुंडली का सप्तमेश हो करके शुक्र कहीं पर उच्च का हो जाए तो एकाधिक्य यानी एक से अधिक कई प्रेम संबंधों का योग भी बन जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से झुकाव बना रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अब अगर आप अपनी पत्नी के धन की स्थिति को जानना चाहते हैं तो नवमांश कुंडली का द्वितीय भाव अगर अच्छा होगा, द्वितीय भाव में शुभ प्रभाव होगा, द्वितीय अच्छा होगा, तो जिससे आप विवाह कर रहे हैं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, विवाह के बाद धन की स्थिति अच्छी होगी। अगर आप अपने जीवन साथी को जानना चाहते हैं कि वह जुझारू, संघर्षशील प्रवृत्ति या मेहनती स्वभाव का है तो नवमांश कुंडली का तृतीय भाव देखिए। अगर उस तृतीय भाव का स्वामी नीच का हो, तृतीय भाव में नीच का ग्रह बैठा हो, तो आपके जीवन साथी में धैर्य की कमी रहेगी, वह जो है स्ट्रगल और संघर्ष करने में बचेगा, जुझारूपन नहीं रहेगा। इसी प्रकार से नवमांश के फोर्थ हाउस पर अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस है तो घर गाड़ी का सुख विवाह के बाद आपको मिल जाएगा, और मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो जीवन साथी के कारण आपको इन सुखों में कमी आ जाएगी। नवमांश कुंडली का फिफ्थ हाउस देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी बुद्धि की स्थिति कैसी है। अगर कोई यहाँ पर खराब मेलिफिक इन्फ्लुएंस है तो सोच और विचार को खराब करेगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी संस्कारित या आपका पति जिससे विवाह हो रहा वह संस्कारित है कि नहीं, उसके जो माता पिता से प्राप्त होने वाले बेसिक संस्कार है वह है कि नहीं, तो इसके लिए आप नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस देख के जान सकते हैं। नवमांश का अगर सेकंड हाउस नहीं अच्छा है तो आपको जन्मजात संस्कारित, और जिसको बोल सकते हैं वेल सिविल्ड जीवन साथी नहीं मिलेगा। सिक्स हाउस जो है नवमांश कुंडली का, उससे आप अपने जीवन साथी के रोग को जान सकते हैं, बीमारी को जान सकते हैं। सेवंथ हाउस से उसकी जो है भौतिक लालसाओं के बारे में जान सकते हैं और लव लाइफ के रोमांस के बारे में जान सकते हैं, और उसकी कैपेबिलिटी जो फिजिकल रिलेशन कैपेबिलिटी है उसको जान सकते हैं। अष्टम भाव से आप उसके आयु आदि का अनुमान लगा सकते हैं, और नवम भाव से आपका जो जीवन साथी है वह कितना भाग्यशाली है ये भी पता चलेगा। नवमांश कुंडली के दसम भाव से आप यह जान सकते हैं कि जीवन साथी वर्किंग होगा कि नॉन वर्किंग होगा, क्या जीवन साथी की जीवन में जो इच्छाएं होंगी, मनोकामनाएं होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति मनोकामना रखता है। कोई साइकिल से चल रहा है तो साइकिल के बाद मोटरसाइकिल चाहता है, तो क्या ये इच्छाएं पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी जीवन साथी की, वो आप 11th हाउस से जान सकते हैं। और जीवन साथी आपका कैसा होगा, खर्चीले स्वभाव का होगा, दान पुण्य स्वभाव का होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, यह भी आप 12th हाउस से जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वामी निकालिए भावों के, भाव का स्वामी कैसा है, शुभ प्रभाव में, क्रूर प्रभाव में, 6, 8, 12 में किस स्थिति में है, ये सब आप गुणा गणित करके जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अलग वर्ग कुंडली के साथ में। नमस्कार।